कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा। 4% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्र के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशन भोगियों को होगा लाभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी रियरनेस अलाउंस की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा। यह 1 जनवरी 2023 से तय होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इस पर सरकार के लगभग 12,815 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। यह 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत देने को मंजूरी दी गई। सरकारी कोष से लगभग प्रतिवर्ष 12,815 करोड़ खर्च होंगे। यह वृद्धि उस स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत देती है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर की जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 1 साल और बढ़ा दी है। देश के लगभग 9,60,000 लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर का लाभ 1 साल में मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की किस्त मिलने के बाद अब हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी थोड़ी आस जगी है। अब जहां पर हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों का 11% डीए यानी कि महंगाई भत्ता बकाया हो गया है, पहले जहां कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री बजट में जरूर महंगाई भत्ते को लेकर कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का इस ओर ध्यान नहीं है। और मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि प्रदेश आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया जल्द कर्मचारियों पेंशनरों को दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए कोई भी घोषणा हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नहीं हो पाई है।